चेन्नई में तबाही मचाने के बाद चक्रवाती तूफान निचोंग अब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है और उसका असर आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में देखने को मिल रहा है। नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच बापटला में संभावित लैंडफॉल हो सकता है और हम एबीपी न्यूज की टीम बापटला के समुद्री किनारे पर मौजूद है। तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि चक्रवाती तूफान का असर प्रभाव का अभी से देखने को मिल रहा है। बीती रात से इस इलाके में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन आज सुबह 7 बजे से लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है। हवाओं की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। बीच बीच में हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पार कर रही है। समुद्र की ऊंची उठती लहरें तस्वीरें बताती हैं कि चक्रवाती तूफान कितना भयावह है, जिसने चेन्नई में कहर बरपाया और अब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की ओर चक्रवाती तूफान मिचोंग बढ़ते चले जा रहा है। बापटला में इसके लैंडफॉल होने की संभावना है और यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। मेरे इर्द गिर्द आपको कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आएगा क्योंकि प्रशासन ने अधिकतर लोगों को यहाँ से खाली करा दिया है। मछुआरों को साफ हिदायत पहले ही दे दी गई थी कि वो समुद्री किनारों से दूर चले जाए। आपको बता दें कि संभावित इलाके जो चक्रवाती तूफान की चपेट में आने वाले हैं, ऐसी जगहों से 13,000 मछुआरों को शिफ्ट किया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों के तटीय जिलों के स्कूल और कॉलेज को आज बंद कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देखें, मछुआरों ने अपनी तैयारी पहले ही कर ली थी, नाव को सुरक्षित जगह समुद्र के किनारे लगा दिया था। और एक बार और कैमरे के लेंस थोड़ा घुमाना चाहेंगे और देखें मछुआरे जिन्होंने अपनी जाल जो है वो किनारे सुरक्षित रखी थी, पर उन्हें इस बात की समझ आ गई कि चक्रवाती तूफान का असर और अधिक हो सकता है, इसलिए वो तमाम लोग अपने जो जाल है मछुआरे अपने साजो सामान को सुरक्षित जगह पर पहुंचा रहे हैं। जल्द से जल्द ये काम करना चाहते हैं और इस इलाके को खाली कर देना चाहते हैं। लगातार इस इलाके में तेज मूसलाधार बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं। इन पेड़ों को, शाखाओं को, पत्तियों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार से तेज हवाएं यहाँ पर चल रही हैं। इस साल 2023 में 6 चक्रवाती तूफान भारत के तटीय इलाकों से टकराए हैं, जिसमें से 4 चक्रवाती तूफान भारत के पूर्वी छोर और 2 चक्रवाती तूफान भारत के पश्चिमी छोर पर टकराए थे। प्रशासन ने अपनी तरफ से तैयारियां पूरी की हैं चेन्नई में, लेकिन जिस प्रकार के हालात हमने देखे वैसी स्थिति आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों या फिर आंध्र प्रदेश के जिलों में ना हो, इसलिए प्रशासन सतर्क है। प्रशासन ने हर जिले में एक वरिष्ठ अधिकारी को, वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया है कि वो पूरे जो घटनाक्रम है उस पर नजर रखे और आवश्यकता अनुसार कदम उठाए। तो ये तस्वीर है आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके बापटला की, जहां पर संभावित लैंडफॉल 11 से 12 बजे के आसपास होगा, लेकिन इस इलाके में लगातार तेज मूसलाधार बारिश हो रही है और ये तस्वीरें बताती हैं कि चक्रवाती तूफान मिचोंग का खतरा बरकरार है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, बापटला, आंध्र प्रदेश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।